नहीं जिसका कोई सानी, दुनिया दे विच नहीं जिसका कोई सानी, उस गुरु लसानी की गल करिए। 26 साल भोरे अंदर जिसने तप किया, 26 साल भोरे अंदर जिसने तप किया, उस ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए, उस ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए। दिती गई सी चांदनी चौक अंदर, दिती गई सी चांदनी चौक अंदर, उस पावन कुर्बानी की गल करिए, उस पावन कुर्बानी की गल करिए। भारत सारे धर्मां नूं बराबर समझण वाला देश कहा जाता है, पर मैनूं लगता है ये गल किते ना किते सिर्फ कागजी गल है। इतिहास गवाह है भारत दे विच जदों भी दंगे होए ने वो सारे दंगे धर्म के नाम से होए ने। भारत दे विच महापुरखां ने धर्म के नाम से अपनी कुरबानियां दित्तियां, अपने सीस कटाए। जदों भी कदे कुरबानियां की गल होएगी तो श्री गुरु तेग बहादुर सिखां दे नौवें गुरु हिंद की चादर का नाम बड़े ही आदर, बड़े ही प्यार, बड़े ही सत्कार नाल लिता जाएगा। आप जी का जन्म पंजाब के अमृतसर विखे होया। सिखां दे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी के आप 5वें पुत्र सन। आप का बचपन का नाम त्यागमल सी। जिस दे नाम दे विच ही त्याग है उसका परिवार वो आप त्याग तो किवें पिछे रह सकता है। 14 साल की उम्र के जो तुसी मुगलां दे नाल लड़ाई दे विच अपनी बहादुरी दिखाई तो तुहाडा नाम त्यागमल तो बदल के तेग बहादुर कर दिता गया। 8वें गुरु की अचनचेत मौत तो बाद थोनू गुरु बनाया गया। औरंगजेब जो कि अपने आप दे विच एक जालम शासक सी, वो अपने पंडित कोलों गीता दियां आयतां सुनदा सी, उन्हां दे अर्थ समझदा सी, पर पंडित उसनूं सारियां तुकां दे अर्थ नहीं दसदा सी। एक दिन पंडित बीमार पै गया, उसने अपने पुत्र नूं भेजा पर पुत्र नूं इह नहीं दस्या कि औरंगजेब नूं कीड़ी तुक दा अर्थ नहीं दसना। उसने सारी गीता का अर्थ दस दिता तो उसनूं समझ आया कि हर धर्म अपने आप दे विच बहुत महत्वपूर्ण है। ओ इस्लाम तो इलावा किसी होर धर्म की प्रशंसा सुन ही नहीं सकता सी, तो उसने अधिकारी नियुक्त करते एक फरमान जारी करता, सबनूं इस्लाम कबूल करवाओ, जो इस्लाम कबूल ना करे उसनूं मौत दे घाट उतार दिओ। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी कोल गए कि गुरु जी सानू इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, साडे ते जुल्म कीते जा रहे ने। तां गुरु जी ने कहा कि औरंगजेब नूं कहो जेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल कर लैन तां असीं वी कर लांगे। यही गल जाके उन्होंने औरंगजेब नूं कहती, औरंगजेब ने यह गल कबूल कर ली। हुण उह औरंगजेब गुरु जी नूं तसीहे देण लग गया, जुल्म करन लग गया, कई तरह के जुल्म गुरु जी ते, गुरु जी के चेलिया ते, भाई मती दास उन्हां दे आरे नाल चरवा दिता गया, भाई सती दास शरीर के उपर रूह लपेट के अग ला दिती गई, ते भाई दयाले नूं, भाई दयाले नूं देग दे विच पा के शहीद करवा दिता गया। अंत विच गुरु जी ने कहा मैं खुद कुरबानी देंगा। गुरु जी की कुरबानी दे दिल्ली दे विच शीश गंज गुरुद्वारा अज भी बनया है, जिहड़ा कि सानू प्रेरणा देता है